हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से मैथ बस्टर को कन्फर्म या बस्ट करने जाने हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट गाइस, हमारा पहला मिथ है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर आने के बाद B1 लिखते हैं, उसके बाद उससे जो बिल्डिंग स्पॉन होगी, उसके बाद हम लोग ऊपर जाने के बाद RGS टूल के अंदर लिखेंगे मोड ऑन, तो उसको हम लोग धरती के नीचे ला सकते हैं। तो इसको मिथ को ट्राई करने के लिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ RGS टूल के अंदर B1। जी हाँ गाइस, मैं जल्दी से लिख देता हूँ B1। तो मैं जल्दी जल्दी लिख दिया है B1, उसके बाद मैं जल्दी से उसको डायल कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अपने गेम के अंदर बिल्डिंग आ चुकी है। उसके बाद मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ। उसके बाद 330 के चीट कोड से मैंने मंगा लिया है जेट पैक को, तो इसकी मदद से हम लोग चलेंगे इस बिल्डिंग के ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आने के बाद आज इस टूल के अंदर लिख देता हूँ मोड ऑन। जी हाँ गाइस, मोड ऑन लिखने के बाद हम लोग इस जो बिल्डिंग है इसको हम लोग नीचे ले जा सकते हैं, वो भी धरती के नीचे। तो मैंने मोड ऑन लिख दिया है, तो हम लोग का मोड ऑन जो था वो ऑन हो चुका है। और मैं जल्दी से इसको अब धरती के नीचे ले चलता हूँ। उसके पहले अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं जल्दी से इसको नीचे ले चलता हूँ। तो मैं इसके ऊपर प्रेस करके इसको नीचे ले चलता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, बहुत ही तेजी नीचे आ चुका है। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं भाई, इतना मैंने कोशिश किया उसके बाद भाई ये नीचे एकदम आ चुका है, वो भी धरती के नीचे। जी हाँ गाइस, अब हम लोग इसको चाह के भी ऊपर नहीं ले जा सकते। तो भाई मिथ कंफर्म है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। आप लोग इस वीडियो को जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, हमारा अगला मिथ है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर आने के बाद हाउस को स्पॉन करते हैं, उसके ऊपर स्टिकी बम लगाते हैं, उसके तक हम लोग उसके ऊपर बैठेंगे, उसके बाद एग्जिट लेंगे, तो हम लोग के ऊपर पूरे स्टिके हम लग जाएंगे। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं 200 के चीट कोड से हॉर्स को मंगा लेता हूँ। और हॉर्स को आने के बाद मैं इसके ऊपर स्टिके हम बहुत सारे लगा देता हूँ। जल्दी जल्दी मैं इसके ऊपर बहुत सारे स्टिके हम लगा देते हैं भाई। ऐसा मिथ मैंने कहीं पर भी ट्राई नहीं किया था और मुझे कोई भी मिथ ये पता भी नहीं था। तो इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे स्टिके हम लगा देता हूँ। तो देखते हैं हम लोगों के ऊपर स्टिके हम लगते हैं कि नहीं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे स्टिके हम लगा दिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, उसके बाद हम लोग इससे एग्जिट लेंगे। तो भाई आप लोगों ने कुछ देखा कि अगर हम लोग इस हॉर्स को अगर कुदाते हैं तो भाई जो इसके ऊपर भाई स्टिके हम लगे रहते हैं, ये भाई सारे नीचे आ जाते। उसके बाद हम लोग जैसे ऊपर फिर कूदने बंद हो जाते भाई, ये पूरे फिर ऊपर चले जाते। तो मैंने एग्जिट तो ले लिया, तो आप लोग देख सकते हैं भाई जितने भी स्टिके बम थे वो ये सब निकले नहीं है। फिर भाई ये क्यों मेरे ऊपर लगे क्यों नहीं यार, फिर से मैं इसको ट्राई करता हूँ। फिर से मैंने एग्जिट कर दिया बैठने के बाद, अभी भी हम लोगों के ऊपर एक भी स्टिके बम नहीं लगे। तो भाई इसलिए मिथ बस्टेड है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो हमारा अगला मिथ है मेगा रैम के ऊपर, और हम लोग को इधर आने के बाद हॉर्स को स्पॉन करना रहेगा और एक बाइक को स्पॉन करना रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग इससे इसके ऊपर बैठेंगे, उसके बाद एग्जिट लेंगे, तो भाई होगा मैजिक। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ मेगा रैम के ऊपर। और यहाँ पे आने के बाद मैं जल्दी से फ़ोन अपना निकाल के 200 के चीट कोड से हॉर्स को मंगा लेता हूँ। और 400 के चीट कोड से मैंने मंगा लिया है बाइक को ZX10R। और भाई इन दोनों के बीच में हम लोग चल के बैठते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे दोनों का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जल्दी से इनके ऊपर बैठ जाता हूँ। तो मैं बैठ चुका हूँ इनके ऊपर। उसके बाद हम लोग का जो कैरेक्टर है वो नीचे जा चुका है। और अगर हम लोग एग्जिट लेंगे तो हम लोग कैरेक्टर जो है नीचे जा रहा है, उसका तो अचानक से ऊपर आ गया है। जी हाँ गाइस, और भाई ये मर चुका है क्योंकि मैंने इन्फिनाइट हेल्थ नहीं लगाया था। इसमें तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, तो मैं फिर से आ चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, हॉर्स को मैंने फिर से मंगा लिया है और इस बार मैंने इन्फिनाइट हेल्थ भी लगा लिया है। और भाई यहाँ पे दोनों का ऑप्शन आ रहा है, फिर से मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ। फिर से मैं एग्जिट ले लेता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। भाई मेरा बंदा तो सीधा खड़ा हो गया था, तो भाई ये मिथ कन्फर्म है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का कैरेक्टर नीचे जा चला गया, तो भाई मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। ऑलराइट गाइस, हमारा अगला मिथ है कि अगर हम लोग यहाँ पे आने के बाद उसके B1 लिखने के बाद बिल्डिंग स्पॉन करते, उसके बाद उसके ऊपर जाने के बाद कोई सारे डायनासोर को स्पॉन करते, उसके बाद अगर हम लोग बिल्डिंग को नीचे ले आएंगे तो भाई सारे डायनासोर हवा में उड़ते रहेंगे। जी हाँ गाइस, इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं फिर से B1 लिख देता हूँ। तो मैंने B1 को जो है उसको लिख दिया, उसके बाद सही पे क्लिक भी कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, हम लोग के गेम के अंदर बिल्डिंग ऐड हो चुकी है। और मैं जल्दी से अब मंगा लेता हूँ जेट पैक को। उसके पहले मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ। और 330 के चीट कोड से मैंने मंगा लिया जेट पैक को। तो जेट पैक तो आ चुका है, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर बैठ के आ चुका हूँ बिल्डिंग के ऊपर। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं आने के बाद बहुत सारे डायनासोर को स्पॉन कर लेता हूँ।
तो 5-0 के साथ रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ 5-1, 5-2, 5-3। तो भाई यहाँ पे मैंने लगभग सारे डायनासोर को स्पॉन कर लिया है। अब मेरी बारी है इस मतलब इसको नीचे ले जाने की। जी हाँ गाइस, इस बिल्डिंग को नीचे ले जाने के लिए तो मैं जल्दी से बिना किसी देरी के इस बिल्डिंग को नीचे ले चलता हूँ। तो भाई मैं इसको प्रेस करके इसको नीचे ले चल रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बहुत सारे नीचे ले आ चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं भाई ऊपर जो है डायनासोर्स वो सारे उड़ रहे हैं। जी हाँ गाइस, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले चलता हूँ पूरा ज़मीन के अंदर। तो मैं इसको नीचे ले चल रहा हूँ जल्दी जल्दी। बहुत सारे भाई ये नीचे आ चुका है ज़मीन के अंदर। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को जो डायनासोर्स है वो किधर है। मैं आ चुका हूँ बहुत दूर, यहाँ से हम लोगों को एकदम अच्छे से डायनासोर्स दिखेगा। तो मैं आप लोगों को अब जल्दी से डायनासोर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ऊपर उड़ते हुए हम लोग को डायनासोर्स दिख रहे हैं। और अगर हम लोग किसी भी एनपीसी को ऊपर टारगेट करते हैं क्या पता वो डायनासोर्स हम लोग इनको मारने आए। तो भाई यहाँ पे सामने एक एनपीसी है तो इसके ऊपर मैंने टारगेट करके इसको मार दिया है। तो भाई यहाँ पे देखता हूँ जल्दी से ऊपर, देखते हैं कौन से डायनासोर आता है। तो मैंने इसके ऊपर टारगेट कर दिया था पर भाई कोई भी डायनासोर ऊपर से नीचे नहीं आया है। तो भाई ये मिथ कन्फर्म है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ और आखिरी मिथ की तरफ। फाइनली गाइस, हमारा लास्ट और आखिरी मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर जाने के बाद आज इस टूल के अंदर लिखते हैं वेनम तो अपने गेम के अंदर वेनम कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। तो इसको ट्राई करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने गेम में। उसके बाद आज इस टूल में ओपन कर लेता हूँ। आज इस टूल के अंदर आने के बाद मैं जल्दी से लिख देता हूँ वेनम। भाई जो ये वेनम कैरेक्टर है भाई बहुत ही भयंकर कैरेक्टर है भाई, पूरे ब्लैक कलर का होता है। तो मैं वेनम लिख दिया है तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सही पे क्लिक कर दिया हूँ पर भाई अपने गेम के अंदर कोई भी वेनम कैरेक्टर अभी ऐड नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को भी वेनम कैरेक्टर चाहिए अपने गेम के अंदर तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके वेनम कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, तभी अपने गेम के अंदर वेनम कैरेक्टर आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।